नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर घाटा बिल्लू से लगाकर राजगढ़ तक सड़क के दोनों ओर बने ढाबों के पीछे और साइड में अवैध रूप से पेट्रोल डीजल और केमिकल का अवैध व्यापार होता है। गुजरात से आकर इंदौर की ओर जाने वाले टैंकरों से पेट्रोल डीजल और केमिकल ड्राइवरों के द्वारा टैंकर में से निकालकर इस क्षेत्र के ढाबों पर बेच दिया जाता है। राजगढ़ से लेकर घाटा बिल्लू तक रोज लगभग 10 से 12 टैंकर माल इन माफियाओं के द्वारा औने पौने दामों पर खरीदा जाता है और आगे महंगे दामों पर बेचा जाता है। इस अवैध रूप से संग्रहित किए गए पेट्रोल डीजल और केमिकल के गोडाउन में आज रात्रि में गुनावद में पेट्रोल डीजल और केमिकल से भरे गोडाउन में आग लग गई। इस आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आग को बुझाने के लिए धार पीतमपुर से फायर ब्रिगेड बुलाने पड़े। फायर ब्रिगेड को भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। इससे प्रतीत होता है कि आग ने कितना विकराल रूप ले लिया था। इस गोडाउन में आग लगने के कारण आसपास के घरों में भी आग लग गई। जिस जगह ये पेट्रोल डीजल और केमिकल अवैध रूप से रखा था उस मकान के पास रहने वाले किराएदार का घर पूरा सामान जल गया। वहीं वहां पर रहने वाले बच्चे भी आग से झुलस गए हैं। पड़ोस के पूरे मकान में आग से पूरा सामान जल गया है। तकरीबन 2 घंटे तक आग जलती रही। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड तो मौके पर पहुंचे लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जबकि पुलिस को पूरे रोड पर गश्त करना होती है। वही बताया जा रहा है कि यह पेट्रोल डीजल और केमिकल आशिक पिता गुड़ा नामक व्यक्ति का है, जो नेशनल हाईवे पर बने ढाबों पर साइड में लगी हरी नेट के पीछे अपना काला कारोबार करता है। इस पूरे क्षेत्र में आशिक के साथ बाबू और इमरान नामक युवक भी इस पूरे काले धंधे में लिप्त बताए जा रहे हैं, जैसा कि सूत्र बताते हैं। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। डेकोरेशन का काम है मेरा। हाँ? नीचे जो सामान रखा हुआ था वो जल चुका है। बीस एक ट्राली, बीस एक छतरी जो ऊपर रखी थी वो भी जल गई। ये नुकसान है मेरा, नीचे रखा हुआ देख सकते हो आप। ये गोडाउन में क्या भरा हुआ था आगे वाले में, इसके तो नहीं मालूम। बाकी नीचे अपना लाइट का सामान था, इसकी मालूम। अंदर इसमें केमिकल रखा हुआ था, ड्रम रखे हुए केमिकल के अंदर, इससे आग लगी है केमिकल से और नीचे भी नुकसान है। ये किसका है नहीं मालूम, नाम बता दो तुम्हारा। मेरा लुकमान सा सर्किट हाउस नहीं है। अभी भी हमारा इतना नुकसान होने के बाद भी अभी भी राजनीति चल रही है यहाँ पे, अभी भी राजनीति कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, अभी अभी देखो आपके सामने, अभी मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। अभी अभी आप चेक करो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। किसी से भी पूछ लो, पूरे गाँव से पूछ लो, फिर भी अभी राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। सर्किट हुआ है, कहाँ का सर्किट हुआ है? ड्रम जले है वहाँ पे, केमिकल था वहाँ पे। क्या हुआ है? किसी की मत सुनो, हमारी मत सुनो, किसी की मत सुनो। क्या हुआ, क्या हुआ है? आप खुद वहाँ डिसाइड करोगे, उसको जांच करवाओ। कोई पहचान नहीं रहा, सबको मालूम ही नहीं है। और अभी भी राजनीति हो रही है। चैनल का नाम पूछा जा रहा है, वीडियो बन रही है, चैनल का नाम पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो कटवा देंगे। ये राजनीति कर रहे हैं अभी भी, इनको ये नहीं पता 10 कैमरे दूसरे चल रहे हैं, सब आ रहे हैं। ये चार बच्चे मर जाते हैं, भैया का वीडियो के, ये भैया फोटोग्राफी कर रहे हैं, इंटरव्यू ले जाननी जाए, क्योंकि अक्सर होता रहता है। इस हादसे का कोई अंदेशा नहीं था अपने को, इसलिए अपने टैंकर का कोई नंबर नोट नहीं किया। मतलब यहाँ पे टैंकर से आके केमिकल खाली होता है? टैंकर आया था, अभी आया था टैंकर, अभी हमने देखा था। से भी होता है, टैंकर से भी होता है, और पूरे गुनावद में होता है, और सभी को पता है, पूरे एरिया में पुलिस वालों को भी, सभी को पता है, प्रशासन को भी। काफी समय से गुनावद 2 नंबर का काम चल रहा है, बहुत समय हो गया ये तो हादसा। अभी यहाँ था बाईपास पे, अगर ये बीच गाँव में होता तो इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। आसपास भी कोई भी प्रशासन का कोई और जिसमें अभी अपने जो प्रशासन की सपोर्ट किया है उसको भी सपोर्ट में थोड़ा टाइम लगा है। उसमें अगर प्रशासन भी अगर चाहे तो थोड़ा फास्ट करती तो ये जो पास में जो नुकसान हुआ ये भी कुछ बच जाता है इसमें। और पास
यहाँ भंगाई की दुकान है, वो पूरी जल के खाक हो गई। उसमें किराए से रहते थे, वो भी अचानक जलती हुई आग में बाहर निकल के आए। मैंने मेरी आंखों से देखे हुए इनको, जब निकल से लूट रहा था। ये गोडाउन किसका था? ये गोडाउन दौलत बाबा इसाक वारसी दौलत बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनका रियल नाम इसाक वारसी है। 5 साल तक दे रहे दरवेश, पिता का नाम इसाक, पिता दरवेश, उनका है। नहीं नहीं, माल किसका रखा था? माल आसिक मुस्ताक मोमिन अयाज साहिल सभी का माल है। सर्किट हाउस हुआ है सिर्फ शाहरुख। कुछ 5 साल से 2 नंबर का काम चल रहा है और यहाँ पे रखा हुआ 2 नंबर का केमिकल 5 साल से रखा हुआ है, कोई ने ध्यान नहीं दिया। आज उसमें आग लगी है, तो आग लगने के बाद बोल रहे हैं सभी कि यह आग इससे नहीं लगी, रेती गिट्टी की दुकान। अरे 2 नंबर का केमिकल है, ड्रम अभी चल रहे हैं, आप जांच करो सभी को लाके। ये छुपाने से कुछ भी नहीं होगा। पुलिस वाले भी नहीं लिख रहे हैं रिपोर्ट सही साइड, उनको लिखना चाहिए ना। रेती गिट्टी की दुकान लिख रहे हैं वो, हम बता रहे केमिकल जला है, वो नहीं लिख रहे। 2 नंबर का कुछ नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे? लिखो ना, नुकसान देखो हमारा, पूरी दुकान जल गई है। अभी बनी है देखो आप, पूरी जल गई है। आपकी दुकान पास में थी? मैं एकदम जस्ट पास में, एक ही दीवार है दोनों की। आग कितनी लगी थी यहाँ पे? सर आग तो इतनी लगी थी कि एक बंदा इंडोर रामा से आ रहा था, वो घाटा बिलोद आते आते उसको आग दिखी, वो देखता देखता आ रहा था। उसने हमको फोन लगाया कि क्यों गुड़ाज में आग लग गई, कि हम आपको पता ही नहीं। फिर हमारे पास वालों ने फोन लगाया कि आग लग गई दुकान पे, फिर हम आए हैं और ये रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है। 2 नंबर का है, सब चीज 2 नंबर की है यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम हसनैन राजा वारसी, पिता गब्बर वारसी।